नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पहली खबर गोरखपुर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान गोरखपुर थे, जहां वो साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर पहुंचे और इस खगोलीय घटना को खुद देखा। साथ ही नक्षत्रशाला में मौजूद लोगों से बातचीत की, इस ग्रहण को लेकर के विशेष जानकारी भी ली। अगली खबर हरदोई से है, हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में जमीनी विवाद में एक परिवार पर लाठी डंडे बांस लेकर के हमले का वीडियो सामने आया है। हमलावरों ने महिलाओं और वृद्ध को जमकर पीटा है। इस मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मात की मतलब वजह थी, पहले कहा मतलब पीछे में जगह है, वहाँ से ना निकलो। मैंने कहा घर पे चलो, वहाँ बात करते हैं। मेरे घर पे आया, वहाँ गाली गलौज करने लगा एक लड़का सुधीर यादव। उसके बाद मतलब मैं घर में चला गया, मेरी बहनों को गाड़ी देने लगा। उसके बाद चारों भाई आ गए, सुधीर यादव, छोटू यादव उर्फ मोहित यादव, और फिर एक दीपू यादव पुत्र शंभू यादव, एक है दीपू यादव पुत्र सुनील यादव, और फिर शंभू यादव। सब लोग मिलकर मोहरा पे मारपीट की भाई डंडों से, फिर घर में घुस के मारपीट की। सारे वीडियो मतलब मौके पर होंगे, मैं तो घर के अंदर था। शंभू के चार लड़का और एक और लड़का बाहर, हम सब ने मिल के आज डंडन हमारे सबकी हालत खराब मारी, बहुत चोट लगी। हालत देखो कैसे डंडन मारे सबका मार, बहुत चोट लगी है। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, चार लोगों को कुचलकर अनियंत्रित गाड़ी पेड़ से टकराई। घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि देहरादून की ओर से तेज गति से आ रही एक गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचलते हुए खुद भी पेड़ से जा टकराई, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। वहीं संबंधित पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर थराली से है, जहां पहाड़ों में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहारों की श्रृंखला में पहले दिन छोटी बांगवाल, दूसरे दिन बड़ी बांगलाव और तीसरे दिन गोवर्धन पूजा के पर्व को पहाड़ी रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इन तीनों दिनों के पर्वों पर लोगों ने अपने घरों मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों, दीपों और इलेक्ट्रॉनिक लड़ियों से सजाया। यहाँ हर तीज त्योहारों पर खास बात यह है कि पहाड़ के लोग देवी देवताओं, प्रकृति और पशुओं को विशेष स्थान देते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके समक्ष भोग उपहार भी भेंट करते हैं। हमारे पहाड़ में दीपावली को बगवाल के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम लोग अपने पशुओं और अपने प्रकृति की पूजा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और पशुओं के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे जीवन के कृषि क्षेत्र के लिए सबसे आवश्यक रूप में हमारे हिस्सा होते हैं और इस तरह हम उनका आभार जताकर पूरे प्रकृति से जुड़ा हुआ एक संदेश भी इस तरह से बगवाल को मना कर देते हैं। और यह सब, ये दिवाली आप सबके जीवन में खुशहाली और आपके जीवन को और बेहतर बनाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट सूर्य ग्रहण सूतक काल के समाप्ति के बाद ठीक 5:32 पर खोल दिया गया। वहीं जोशीमठ के नृसिंह नव दुर्गा मंदिर और वासुदेव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए। साथ ही विधि विधान पूर्वक मंदिर की साफ सफाई और शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।